नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना चढ़ाने में हुए 125 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। राज्य के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को कहा कि जांच समिति मामलों की तह तक जाएगी। संस्कृति एवं धार्मिक मामलों के सचिव हरिचंद सेमवाल गढ़वाल कमिश्नर अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस कमेटी में विशेषज्ञों के साथ स्वर्णकार भी होंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। वहीं अमेज़न के सीईओ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भारत में 26 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कही। सुंदर पिचाई ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। गूगल भारत के डिजिटलीकरण के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अब GIFT सिटी गुजरात में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर बदमाशों ने दीवार के ऊपर से पार्सल फेंका। जेल में मौजूद कैदियों से कांटेक्ट के लिए पार्सल में मोबाइल रखकर फेंका गया था। जेल प्रशासन के पैकेट खोलकर देखने पर उसमें 2 कीपैड मोबाइल मिले। लालकोटी थाने में जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि मोबाइल किन बदमाशों ने और किन कैदियों के लिए फेंके थे। नेवल शिपयार्ड मुंबई ने 281 अप्रेंटिसशिप की सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार नौसेना डाक की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2023 से शुरू हो चुकी है, जबकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जून 2023 तय की गई है। वैसे तो 2024 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा में अभी से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इसकी एक वजह इन दिनों बीजेपी और JJP गठबंधन टूटने की चर्चा भी है। हालांकि बीजेपी के पास जज्बा से गठबंधन तोड़ने की खास वजह भी है। बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि जज्बा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा। अभी सूबे के सभी 10 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में यदि गठबंधन में चुनाव होगा तो अपने हिस्से की कुछ सीटें जज्बा को देनी होगी। ऐसा हुआ तो लोकसभा के बाद विधानसभा में फिर भाजपा पर जज्बा का दबाव बढ़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।